गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मीनारायण गार्डन से। आज मेरा वीडियो समी पत्र पे है और समी का प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं और सभी के घरों में ज़्यादातर लगा होता है। तो प्लांट तो शुभ होता है इसलिए क्योंकि समी पत्र जो है शंकर जी के ऊपर और गणेश जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं पूरे सालों साल। लेकिन जब सावन का महीना आता है तब ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स लोग, हमारे घर वाले सभी लोग ये समी पत्र की जो पत्तियाँ हैं ये शंकर जी पे जरूर चढ़ाते हैं, गणेश जी पे जरूर चढ़ाते हैं। तो हमारे सभी के घरों में समी का प्लांट जरूर होना चाहिए और क्योंकि शुभ भी होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताती हूँ कि जैसे आप अगर जिसको ज़मीन में लगाएं तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसको आप काट छाट के ऐसे नहीं ज़्यादा काट छाट कर पाते हैं। लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो इसका बहुत खूबसूरत लुक देने के लिए हमको इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने किया है। और आप लोगों को मेरा ये प्लांट जो है तसले में लगा है और आप लोगों को जब आप दूर से इसको देखेंगे तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आपको एक ट्री लगेगा, ऐसा लगता है जो जमीन में लगा हुआ प्लांट होता है उस तरीके से कुछ आपको लगेगा, बहुत हस टाइप का, बहुत ही बुशी। क्योंकि ये जो मैंने इस प्लांट को बोनसाई का लुक दिया है, बोनसाई मतलब छोटा पौधा जो है जो ट्री टाइप का लगता है, इसीलिए इसको हम बोनसाई कहते हैं। जो एक प्लांट को काट के आप छोटा सा कर दें और हरा भरा रहे और इसकी जो रूट होती है, जो जड़ होती है, जो स्टेम होती है वो थोड़ी थोड़ी सी नीचे से रहती हैं। और क्योंकि जो प्लांट होते हैं, जो ट्री प्लांट होते हैं, उनकी जड़ें ऊपर तक आपको ज़्यादातर देखेंगे, जैसे पीपल की है, बरगद की है, वो दिखती रहती हैं। और जो इसकी स्टेम होती है, जो नीचे ऐसे जो निकली हुई होती है, ये इतनी मोटी होती चली जाती है जब इसको हम समय समय से कटिंग करते हैं। और इसको मैंने एक डेढ़ महीना पहले कट कर दिया था और इसमें हरी, क्योंकि जब पत्तियाँ सब झड़ जाती हैं उसके बाद में, जब पत्तियाँ झड़ने वाली प्लांट में होती हैं तब हमको इनकी सेटिंग करनी चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने वीडियोस में बताया है। और ये मैंने पूरा प्लांट सेट कर दिया था और ये इस तरीके से जब हम काट छाट करते रहते तो नीचे से जो तना है, जो स्टेम हो, मोटा होता चला जाता है और इस टाइप से एक पेड़ जैसे होता है, बड़ा सा आपको ज़मीन में लगा हुआ प्लांट उस तरीके से आपको ये दिखता है और आपके गार्डन में इतना खूबसूरत लगता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, हमारे वीडियो में हमारे समी का प्लांट। और समी का प्लांट, समी के प्लांट का वीडियो मैं दो तीन बना चुकी हूँ, हर साल मैं बनाती हूँ जब हमारा प्लांट, जब मैं कटिंग करती हूँ और इसमें पत्तियाँ आ जाती हैं और इसमें जब फ्लावर खिलते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है, नीचे से फ्लावर लटकते हैं और हरा भरा प्लांट, ज़्यादा घनी पत्तियों वाला प्लांट होता है। जब हम काट छाट करते हैं और इसमें खाद जब देते रहते हैं जब कटिंग करने के समय, तो इसका इसमें जो पत्तियां हैं बहुत हरी भरी और बिल्कुल गोल शेप में मैंने इसको किया हुआ है, आप लोग देखें। और ये दूसरा मेरा प्लांट है, इसको भी मैं बोनसाई का लुक दे रही हूँ, धीमे धीमे इसका समय इसमें भी लगेगा। जब भी कोई प्लांट बोनसाई का लुक दें तब समय लगता है 2-3-4 साल तक, और इसको ट्रांसप्लांट करते रहते हैं, इस गमले से इसको बाहर निकाल के हमको छिछले गमले में जैसे मैंने तसले में लगाया है। और इसका भी अगले सीजन में मैं इसका भी फिर से दूसरे गमले में लगाऊं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है देखिए टूटने लगी है, धूप में रखा रहता है, और इसको मैं निकाल के फिर से दूसरे बड़े से उसमें गमले में लगाऊंगी, छिछला गमला होता है उसमें, बहुत खूबसूरत हमारा ये समी का प्लांट लगेगा। आपको लगेगा दूर से कि ये एक ट्री टाइप का आपको लग रहा होगा, देखिए ट्री टाइप का लगता है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शुभ प्लांट होता है। इसको आप गार्डन में कहीं पर भी रखें, क्योंकि हमारे नीचे गेट पर इतनी जगह नहीं जो मैं इसको रखूं, तो मेरे यहाँ गार्डन में रखा रहता है। तो और इसकी पत्तियाँ हरी भरी इसलिए रहती हैं क्योंकि इसमें हम इस पौधे को जो छिलका होता है जो हमारे केले का, उसका पानी देते रहें आप जब उसकी मिट्टी सूखे, और बहुत ज़्यादा इसके गमला इसका ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का मॉइस्चर होना चाहिए तब इसकी पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं। और जैसा कि आज मैंने आप लोगों को बताया, और खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जब इसकी हम गुड़ाई एक बार करते हैं 2-3 महीने में कोई खाद दे दे, और 2-3 महीने में हम खाद डीएपी, मैंने 2-3 महीने पहले इसमें डीएपी दे दी थी, जो ब्राउन डीएपी होती है। और अगर जो आपके पास डीएपी नहीं है तो हमारे पास हर तरीके की खाद रहती है, हमारी बर्मी कंपोस्ट जो हम घर से बनाते हैं उसको भी दे सकते हैं, ज़्यादातर मैं बर्मी कंपोस्ट के साथ कभी कभार डीएपी भी दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। और आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप सभी के प्लांट को इस तरीके से, आप अगर जो बोनसाई बनाना
बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बोनसाई बना सकते हैं और अपने घर में जरूर लगाएं क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है। और अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा आप लोग वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और लिंक को शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको समी का प्लांट मेरा कैसा लगा और बोनसाई के रूप में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।